आप अपना पीएफ बैलेंस चेक कैसे कर पाएंगे, आप अपना पीएफ का पैसा विड्रॉल कैसे करें, कौन बताएगा आपको? मैं बताऊंगा आपको। आपने मुझे सब्सक्राइब क्यों करके रखा है? नहीं किया है? नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा है सर, आप गलत कर रहे हैं सर। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं। किया है गाइस, तो अभी तुरंत जाकर ये लाल वाला बटन इसको दबा दो और साथ यहाँ पे बेल आइकन है उसे भी देखा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो और नोटिफिकेशन सबसे पहले ऐप तक आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। ठीक है सर, बढ़ते हैं अगले कदम में। गाइस देखिए, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपना पीएफ बैलेंस चेक कैसे कर पाएंगे, साथ ये भी बताऊंगा कि आप अपना पीएफ बैलेंस विड्रॉल कैसे कर पाएंगे, आपके पीएफ बैलेंस मतलब पीएफ के जो खाता में पैसा कितना है, साथ में ये भी बताऊंगा कि यदि आपका पीएफ अकाउंट में केवाईसी कैसे करेंगे, मतलब केवाईसी नहीं किए हैं तो उसको कैसे कर पाएंगे, साथ ही ये भी बताऊंगा कि आपका यूएनए कार्ड आता है जिससे आप यूएनए कार्ड दिखा के अपना पीएफ बैलेंस आसानी से विड्रॉल कर पाएंगे, आपका जो यूएनए कार्ड होता है उसको आप कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे, आप अपना पासवर्ड कैसे चेंज कर पाएंगे पीएफ का, और ये मुमकिन होगा, बस एक चीज जरूरत होगी वो आपका यूएनए नंबर। गाइस यदि आपका यूएनए नंबर और पासवर्ड है तो आप अपना पीएफ बैलेंस अपने घर बैठे अपने ही मोबाइल में, हाँ इसी ही मोबाइल में आप अपना पीएफ बैलेंस का हर वो इन्फॉर्मेशन निकाल पाएंगे जो आप निकालना चाहते हैं। गाइस आप यदि आपका यूएनए नंबर पता नहीं है तो आप अपने एचआर मैनेजर से मांग सकते हैं, वहां पे आपको यूएनए नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। फिर जैसे जैसे मैं आपको वीडियो में अभी अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके बताऊंगा वैसे वैसे करेंगे और आप भी अपना पीएफ बैलेंस का पैसा विड्रॉल कर पाएंगे, साथ चेक कर पाएंगे और बहुत सारा इंफॉर्मेशन चीज को पा पाएंगे और जान पाएंगे, सीख पाएंगे। तो गाइस यार आपको चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे ले चल के वो सारा चीज बताता हूं। उससे पहले यदि मेरे को आप पहली बार मिल रहे हैं तो बता दूं मेरा नाम है अंशु गौतम और आप सभी का स्वागत है आज की एक नई वीडियो। चलिए गाइस यार विदाउट टाइम वेस्टिंग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे और यहां पे हमने सर्च किया यूनाइटेड पोर्टल में, इसका लिंक दे दूंगा आपने डिस्क्रिप्शन में, वहां से सर्च करके यहाँ डायरेक्ट इस वेबसाइट पर यहाँ पे आ जाएंगे आप। ठीक, आपको पहले मैं बताऊंगा कि आपको अपना पीएफ का बैलेंस चेक कैसे कर पाएंगे, ठीक, क्लेम हुआ है कि नहीं, कितना आपका पीएफ बैलेंस आता है, इसके बारे में पहले बारे में बात करेंगे। ठीक, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं होम मेंबर ईपीएफ यूनाइटेड पोर्टल और तीसरे नंबर पर दिया ईपीएफओ मेंबर पासबुक क्लेम पर स्टेटस पर क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो कुछ नया इंटरफेस इस प्रकार आएगा, आप अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और पासवर्ड भर देंगे और यहाँ पे आपको 98-2 कितना होगा तो 96 हम यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। ठीक, तो 96 फिलअप करके जब लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे खुल जाएगा और आपको यहाँ पर सेलेक्ट द मेंबर आईडी, अपने कितने कंपनी में काम किया है वहाँ पे देगा। तो हम फिलहाल इस आईडी से इतना काम दिया है और यहाँ पे वेलकम टू यहाँ पे दिखा रहा है आपको नाम दिलचंद कुमार, ऐसे करके आपको यहाँ पे नाम भी दिख रहा है। ठीक, अब आपको यहाँ पे जब उसको सेलेक्ट कर देगा मेंबर आईडी, ठीक, तो यहाँ पे देगा व्यू पासबुक एट द न्यू ईयर्स, आप यदि पासबुक चेक करना चाहते हैं तो ऊपर वाले पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको पासबुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं, साथ यहाँ पे अगर कोई साल का डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो यहाँ से 2021 छोड़िए 22 का जनवरी फरवरी का जो हमारा कटा हुआ है पीएफ का बैलेंस क्लोजिंग डेट सब कुछ बताऊंगा। तो यहाँ पे करंट आफ्टर ड्यू मंथ यानी इतना आकर के आया है आपको डेट है जो ये, ठीक, और यहाँ पे 15/3/2022, ठीक, तो आपको यहाँ जनवरी फरवरी मार्च तक का पीएफ है जो 13,584 रुपया है जो कि ये कटा है ईपीएफ वेट्स। ठीक, अब ईपीएफ ईपीएसएफ वेट जो 3000 इतना है सेम है उसका भी। शेयर एम्प्लॉय जो है आपका जो शेयर एम्प्लॉय कटा है ये 1,630 रुपया है, शेयर एम्प्लॉय भी यहाँ पे जीरो बता रहा है। ये देखिए विड्रॉल प्रोसेस में देखिए यहाँ पे विड्रॉल जो हुआ है एक बार भी क्लेम नहीं किया गया है इस पीएफ आईडी पे पैसा उतारने के लिए। यहाँ पे शेयर एम्प्लॉय यदि आप विड्रॉल पे देखिए, यदि विड्रॉल पे कोई भी अंक होता तो ये पता चलता कि ये इसका पीएफ कभी निकाला गया, लेकिन इसका पीएफ एक बार भी क्लेम नहीं किया गया यानी विड्रॉल नहीं किया गया है, ये इसका पासबुक है। ठीक, यहाँ क्लेम कॉन्स्टेबल्स दिखा रहा है 87,351 रुपये। ठीक, अब गाइस बढ़ते हैं हम यहाँ पे, आपको यहाँ पे मैं आपको क्लेम स्टेटस दिखाता हूँ। क्लेम स्टेटस में यहाँ पे एक बार भी क्लेम हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए लिखा है नो क्लेम फाउंड ऑफ मेंबर आईडी, मतलब इस पीएफ अकाउंट से एक बार भी पैसा उतारा नहीं गया है, जितना पैसा है सेफ है। तो यहाँ से चेक कर पाएंगे कि मेरे क्लेम मेरे स्टेटस पे चेक हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक ना, दूसरी बात बात करना है व्यू द पासबुक एंड द ओल्ड, यहाँ पे आपको टोटल बैलेंस बताएगा कि आपके ईपीएफ में कितना पैसा है। ठीक, तो यहाँ पे देख पाएंगे आप टोटल ई बैलेंस जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 2,11,023 रुपया और यहाँ पे टोटल बैलेंस यार है जो 64
2,75,901 रुपया और टोटल बैलेंस एज ऑन द डेट नीचे देखिए 2,75,924 रुपया आपको दिखा रहा है। तो यहाँ से आप अपना टोटल बैलेंस ईपीएफ का देख पाएंगे कि मेरा पीएफ अकाउंट में कितना पैसा है ऑन एज द डेट आज के तारीख तक। ठीक, डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ पे डाउनलोड पासबुक पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ आईडी दे देगा आपको, करंट ऑन द डेट विड्रॉल उड़ाल का, प्रोग्रेस का, परचेस का, सेल एम्प्लॉय का, सब कुछ का दे देगा कि आपको यहाँ पे कितना पैसा मिलता है, कितना पैसा कटता है, आप यहाँ से देख पाएंगे ऑन द फॉर्म ईयर्स। ये बहुत ही आसान है, तो यहाँ से तो अपना बैलेंस चेक कर पाएंगे। ठीक, अब गाइस इसको हम यहाँ पे कट करते हैं और चलते हैं आगे की स्थिति में, जो कि आप क्लेम कैसे करेंगे, आपका जो मेंबर आईडी होता है उस पर क्लिक करेंगे। तो होम मेंबर पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे फिर से आपको यूएन नंबर और अगर वे सब कुछ फिलअप करना पड़ता है। ठीक, तो मैं यहाँ पे सब कुछ फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पे फिर से कैप्चर वगैरह डालना होता है तो मैं यहाँ पे कैप्चर वगैरह डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप साइट पे लेके ओपन कर लिया है कि आपको सही से दिखा पाऊँ, बता पाऊँ। ठीक, तो यहाँ पे लेटर क्लिक कर देते हैं और गाइस यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि आपका यूएनए कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ से आप यूएनए कार्ड जो दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका यूएनए कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे मैं आपको डाउनलोड करके यूएनए कार्ड भी बताता हूँ। उससे पहले गाइस आपका यूएनए का पूरा नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, यहाँ से आप बिल्कुल सही तरीके से चेक कर पाएंगे। और क्लेम करना चाहते हैं व्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक, यहाँ प्रोफाइल है, सिक्योरिटी हिस्ट्री है, यूएनए कार्ड, यूएनए कार्ड पे क्लिक करिए। ठीक, यूएनए कार्ड पर जब आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दे देगा यूएनए कार्ड डाउनलोड करने के लिए और यहाँ से आप आराम से यूएनए कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक गाइस, मैंने डाउनलोड यूएनए कार्ड पे क्लिक कर दिया और ये डाउनलोड भी हो गया है। ठीक, तो गाइस इसको हम यहाँ पे अभी बैक करते हैं। ये हमारा यूएनए कार्ड डाउनलोड हो गया है बिल्कुल आसानी से। ठीक, और गाइस यहाँ पे मैनेजर पे क्लिक करके बेसिक डिटेल्स देख सकते हैं, कंटेंट डिटेल्स, केवाईसी, यहाँ पे जो लिखा है केवाईसी, केवाईसी पे क्लिक करके यहाँ पे अपना केवाईसी भी कर सकते हैं। गाइस केवाईसी का पूरा प्रोग्रेस इसमें नहीं बताऊंगा, बस आपको यहाँ तक बता देता हूँ कि केवाईसी करेंगे कैसे। ठीक, तो यहाँ पे आपको जो पैन कार्ड दिया है डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, बैंक, यहाँ से आप अप्रूव कर पाएंगे, यहाँ पे सब कुछ फिलअप कर पाएंगे। गाइस मैं इसमें अगर पूरा प्रोसेस करके बता दो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, यहाँ तक आने के बाद आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ मैनेज अकाउंट पे कर पाएंगे बिल्कुल सही तरीके से। यहाँ अकाउंट पे क्लिक करके चेंज द पासवर्ड पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड बदल भी सकते हैं, यूएनए का पासवर्ड जो आता है वहाँ से बदल सकते हैं। देखिए यहाँ पे जब उस साइट पे आ जाएंगे, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, अपना पुराना पासवर्ड भरिए, नया पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड भर के अपडेट पे क्लिक करिए, आपका पासवर्ड आसानी से चेंज हो जाएगा। ठीक, तो यूएनए का पासवर्ड यहाँ से चेंज कर पाएंगे अकाउंट पे क्लिक करके चेंज पासवर्ड पे आके। ऑनलाइन सर्विसें यहाँ पे बहुत सारा है, क्लेम फॉर द डेट, यदि इसको पैसा उतारना चाहते हैं तो क्लेम भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको क्लेम करना नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो गाइस चलिए, बस मैं आपको यहाँ पे सब कुछ इसमें से बताना चाहता था। आई होप आप सब कुछ ना कुछ तो बहुत कुछ समझे होंगे। ठीक ना, कुछ नहीं कुछ बहुत कुछ समझे होंगे आप। तो आई होप गाइस यार वीडियो आपको पसंद आए, पसंद आएगी चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो देख लीजिए, जय हिंद, वंदे मातरम।